गाइज, दुनिया में इंटरनेट कब आया, किसके द्वारा आया, कौन सा व्यक्ति लाए, अगर वह व्यक्ति इंटरनेट नहीं लाते तो क्या दिक्कत होता अब तक। इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे का सारे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। गाइज, जो टेलीविजन है उसका आविष्कार कब हुआ, उसका आविष्कार कौन है, आविष्कार करने वाला व्यक्ति कहाँ का है, ये पूर्ण जानकारी मैं देता हूँ। टेलीविजन का आविष्कार 1924 में हुआ, जो कि आविष्कारक हुए विदेशी, और विदेशी में उनका नाम है जॉन लोगी वेयर्ड नाम है, जो कि टेलीविजन का आविष्कार 1924 में कर दीजिए। गाइज, फेसबुक पर एक सेकंड के अंतर्गत कितने लाइक किए जाते हैं, जैसे कि आप हम लोग अगर फेसबुक पर एक लाइक जितने समय, यानी कि एक सेकंड लगा एक लाइक करने में, उतने एक सेकंड में फेसबुक पर लगभग 60,000 लाइक लोग कर देते हैं कोई भी फोटो को, जो कि पूरे एक सेकंड में करते हैं 60,000 लाइक। इनके लिए क्या आपके लिए एक सब्सक्राइब बनता है जी? आजकल मैसेज ट्विटर पर जो किया जाता है वह एक सेकंड के अंतर्गत कितने मैसेज को अपलोड कर दिया जाता है, यानी कि भेज देता है ट्विटर पर। आप लोगों के पास कितने ट्विटर से मैसेज एक दिन में आते हैं, मेरे चार सेक्शन लिख सकते हैं। एक सेकंड के अंतर्गत ट्विटर पर जो मैसेज किया जाता है वह 10,000, यानी कि 10,000 ट्विटर पर मैसेज देता है। आपके एक सेकेंड में कितने मैसेज आते हैं, मेरे चार। गाइज, इंस्टाग्राम पर एक दिन के अंतर्गत कितने फोटो वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है, जो कि सबसे अधिक माना जाता है। आप इंस्टाग्राम पर एक दिन में कितने फोटो वीडियो को अपलोड किए हैं, चार सेक्शन लिख दे जी। मैं बताता हूँ कि एक दिन के अंतर्गत 95 मिलियन फोटो वीडियो को अपलोड किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें से 70% वीडियो फोटो को देखा ही नहीं जाता है, मात्र 30% वीडियो फोटो देखा जाता है। गाइज, इंस्टाग्राम पर एक दिन के अंतर्गत कितने फोटो वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है, जो कि सबसे अधिक माना जाता है। आप इंस्टाग्राम पर एक दिन में कितने फोटो वीडियो को अपलोड किए हैं, चार सेक्शन लिख दे जी। मैं बताता हूँ कि एक दिन के अंतर्गत 95 मिलियन फोटो वीडियो को अपलोड किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें से 70% वीडियो फोटो को देखा ही नहीं जाता है, मात्र 30% वीडियो फोटो। आज जो लाइव वेबसाइट होता है, यानी कि जैसे कि लाइव हम लोग ट्यूशन कोचिंग पढ़ते हैं, उसी प्रकार का लाइव वेबसाइट दुनिया में कितने हैं, जो कि लाइव वेबसाइट है। आप चार सेक्शन में आप कितने लाइव वेबसाइट पर रहते हैं प्रतिदिन जी। हाँ, दुनिया में 1.6 और अब से अधिक वेबसाइट है जो कि लाइव रहता है, यानी कि 24 घंटे वह लाइव ही रहता है। गाइस, जो कुत्ते हैं उस कुत्ते के, यानी कि डॉग के पास कितने दिमाग होते हैं, यानी कि दिमाग का जो परसेंटेज होता है वो मनुष्य की अपेक्षा कितने उनके पास दिमाग होता है डॉग के पास। मैं बताना चाहता हूँ कि जो डॉग है उसके पास, जो कि छोटे बच्चे हैं जिनका उम्र 2 साल है, उतना ही जो दिमाग होता है छोटे 2 वर्ष के उम्र के बच्चे को, उतना ही दिमाग एक कुत्ते को होता है जी हाँ, 2 वर्ष के। गाइज, इंटरनेट इतना पॉपुलर है कि अगर इंटरनेट नहीं रहता तो क्या होता, हम लोग भी आजकल पिछले जमाने में ही जीते, जिस प्रकार से पिछले के लोग जीते थे उसी प्रकार से। इंटरनेट इतना आया कि लोग, यानी कि एडवांस वर्जन में जीने लगे। इंटरनेट को कौन से व्यक्ति ने उसे लाया था, 1979 में इंटरनेट आया, उस इंटरनेट को कौन से व्यक्ति ने पहली बार बनाया, टीम बर्नर्स ली ने इंटरनेट को पहली बार बनाकर पूरे दुनिया को आज इतना आज़ादी दे रहा। भारत का कौन सा नदी है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जो कि वह सबसे बड़े जीव जंतु वाला संख्या वाला कहा जाता है उस नदी को, यह नदी को आप प्रसिद्ध है, यानी कि नदी प्रसिद्ध है, कौन सा नदी प्रसिद्ध है आप बता सकते हैं जी हाँ, भारत का सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा है। गंगा में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मछलियाँ रहते हैं, जो कि 375 प्रकार के मछलियाँ गंगा में ही पाए जाते हैं। प्रयागराज में जो संगम नदियां है, उन किन किन नदियों से मिलकर प्रयागराज एक बहुत अद्भुत जो कि संगम नदियों बन चुका है, वह कितने नदी, यानी कि कौन कौन सा नदियां है। यह तो है कि 3 नदियों ने मिलकर प्रयागराज को और अद्भुत सुंदर बनाया है, लेकिन कौन कौन सा नदियां, गंगा, सरस्वती और यमुना मिलकर प्रयागराज को बहुत अद्भुत सुंदर बनाया है, जो 3 नदियां।
गाइज जो कि नदी है वह नदी को यानी कि किस नदी को भारत सरकार द्वारा खुद कहा गया कि यह भारत का राष्ट्रीय नदी कहा जाएगा। आप एक बार चार सेक्शन में लिखिए कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय नदी जिसको पवित्र माना जाता है, पवित्र किस नदी को माना जाता है, गंगा, गंगा को पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए भारत को गंगा का नदी राष्ट्रीय नदी कहा गया। मेरे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें।